हाँ जी, जय माता दी, जय माता दी। आप सारे जय माता दी मेरे वालों। तो आप लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आज दिन सोमवार है, महादेव का दिन। आज हमारे सावन का महीना चल रहा है, हमारे भोलेनाथ का आज दिन है। तो तारीख आज 28 है, 28 तरीक है दोस्तों। ते पहले जिन्हें भी हमारे चाहने वाले सारे नु दिल से जय माता दी। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और आबाद होंगे। दोस्तों सावन का महीना चल रहा है, आप लोगों को मालूम है बरसात का मौसम है, क्योंकि हमारे महादेव का महीना चल रहे हैं। सवेर का तकरीबन 7 बज चुके हैं दोस्तों। तो बाहर आप देखिए हमारे तरफ चार चुपेरे मौसम, बदल काफ़ी हुए हुआ, काफ़ी बदल हुए हुआ। तो देखिए हमारे पीछे कितने हरे भरे वादियां, शांत, कितने सुंदर लग रहे हैं दोस्तों। अच्छे लग रहे हैं क्योंकि सवेर सवेर का टाइम है और हवा काफ़ी ठंडी चल रही है। वहाँ आप देखें मंदिर पे झंडे चल रहे हैं, हमारी बेटिया रानी भी वहाँ, और देखो बेटिया हमारी घूम रही है, बेटिया रानी चढ़ी हुई है दरबार पे, छत पे। तो वो बैठी हुई है टंकी के पास, और देख सकते हो टंकी के पास बैठी हुई है। हवा काफ़ी तेज़ चल रहा है दोस्तों, आप देख सकते हो झंडे कैसे झूल रहे हैं, क्योंकि एक झंडे माँ वैष्णो का है और एक महाकाली का झंडा है। अब देखिए दो ही झंडे झूल रहे हैं। काफ़ी सुंदर ताज मौसम है दोस्तों, काफ़ी खूबसूरत मौसम है। गांव में दोस्तों ऐसा ही होता है, क्योंकि हरियाली आपको देखने को मिलेगी, हर एक पास से हर एक तरफ हरियाली हरियाली नज़र आएगी। तो मैं असी पिंड च हैं, गांव बिच रहने हैं, साडा कारोबार जो है गांव बिच है। देखे बदल, देखे दोस्तों काफ़ी बदल हुए, पंछियाँ घूम रहे हैं, काफ़ी बदल है, तो बहुत खूबसूरत है दोस्तों। ठंडी ठंडी हवा चल रही है, आप होते तो आप भी इंजॉय कर दे। खैर आप भी अगर गांव से हो तो आपको तो मालूम होगा गांव का माहौल कैसा होता है, तो इधर के फसलें कैसे लहरा रहे हैं। ये चरी है पशुओं की, देखिए कितनी तेज़ हवा चल रही है। और देखिए पीछे दरख्त है, वो शमशान घाट है, जहाँ पे कालों की काल महाकाल विराजमान होते हैं, वो शमशान घाट है। हमारे घर से बिल्कुल नज़दीक है। हाँ जी, तो थोड़ा सा ही फासला है हमारे घर से, आ देख सकते हो आ दरबार है, तो आ शमशान घाट है, ठीक है, थोड़ा सा ही फासला है। हम तो वहाँ पर जाते आते हैं क्योंकि वहाँ पे शांति बहुत मिलती है, और दरख्त वहाँ पे काफ़ी लगे हुए हैं, हर एक तरह के दरख्त वहाँ पे है दोस्तों। जर मर्जी आप दरख्त देख लो वहाँ पे मिलेंगे आपको। बाकी साफ़ सफाई है बहुत वहाँ पर, भावे आप रोटी नीचे रख के खा ले, इतना सफाई है वहाँ पर। वहाँ पे काम वाले लगे रहते हैं सफाई करने के लिए। और यहाँ पे काफ़ी बदल बहुत तेज़ है, देखे हमारे कपड़े भी उड़ रहे हैं दोस्तों, देखिए इतना बदल, हवा चल रही है तेज़। खैर सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा और अपना राय लिखिएगा, हमारे वीडियो कहाँ कहाँ से देखते हो आप ज़रूर लिखे। तो वो देखो मंदिर के भी झंडे झूल रहे हैं, और अभी काम काफ़ी है दोस्तों, पर मैंने इसका वीडियो इसके लिए शूट करी क्योंकि ये नज़ारा कल मिले ना मिले तो आज तो अच्छा लग रहा है, इस करके मैंने वीडियो बनाया, क्योंकि अपने दोस्तों के साथ शेयर करने थे, आपके साथ शेयर करने थे, क्योंकि ये चीज़ शहर में नहीं मिलते हैं देखने के लिए दोस्तों,
शहर में तो प्रदूषण ही होते हैं और तो कुछ नहीं है, गंदगी नाल भरे होते हैं शहर में। बाकी जो पिंड का सुंदरता है वो उसका सुंदरता ही बखरा है। मनुखा होते हैं, फसल लहराते हैं। आ देखिए हमारे पीछे धान है, हिंदी में इसको धान बोलते हैं। देखिए कितना अच्छे लग रहे हैं, इधर भी है। आ देखिए सारे यहाँ पे चार चुफेर दोस्तों हरियाली नज़र आती है, अच्छे लगते हैं। काफ़ी बीमारियाँ जो है दोस्तों कट हो जाती है, क्योंकि हरियाली आँख के रोशनी वास्ते भी अच्छे होते हैं। और तो सवेरे सवेरे मैं नंगे पैर घूमन लगी हूँ, आ देखो, क्योंकि नंगे पैर घूमना अच्छे होते हैं और घा है, घा के ऊपर घूमना अच्छे होते हैं। तो बाकी अगर आप कहीं पर भी हो, चाहे आप शहर में हो, चाहे थोड़ा सा जो योगिंग कराया करो सवेरे सवेरे मॉर्निंग के टाइम। एक गेंदे का फूल है दोस्तों, देखिए बूटा हो गया है, देखिए कितना हवा तेज चल रही है। देखिए एक गेंदे का फूल है, अभी फूल नहीं लगने लगे हैं, अब लगेंगे कहाँ, अभी टाइम पे जब उसका टाइम होगा फूल लगने का। तो ये बाजरे है, चरी पशुओं की। बाकी अच्छे लगते हैं दोस्तों, सुंदरता, माहौल साफ है हमारे गांव में। बाकी शहरों का तो हम कह नहीं सकते, मैं तो खुद दिल्ली शहर से, पर मैनू शहर पसंद नहीं, मैनू नहीं पसंद है दोस्तों। आ देखे हमारे फल लगे हुए हैं, देखे अब देखे फल, हालांकि डारियां बढ़ दी हैं, सारे डारियां बढ़ दिए, काफ़ी थे। आ देखिए सारे बढ़ दिए, जिन्हें भी डाले थे इसके बढ़ दिए, क्योंकि काफ़ी भारा हो गए थे, फिर फसल को नुकसान होते थे इस करके हमने बढ़ दिए। और भी है काफ़ी लगे हुए हैं, देखिए मी आ गया दोस्तों, बारिश आ गया, देखो पानी पहनने लग पे, बारिश आ गया दोस्तों। ते बाकी अच्छे लगते हैं, क्योंकि शहरों में काफ़ी कम दिखने को मिलते हैं कोई भी हरियाली चीज़ें। ते गांव की सुंदरता अपनी अपनी होती है ना, गांव की सुंदरता ही अपनी होती है दोस्तों। बारिश आ गई दोस्तों, हम चलते हैं अंदर, क्योंकि बारिश आ गई है, क्योंकि अभी हमने गाय का दूध निकालना है, अभी हमने दूध भी निकाला गाय का। हाँ जी, गायें रखे हुए हैं दोस्तों दरबार में। बारिश आ गई, आलू पर बारिश आ गई, थले उतरिया। बाकी थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाती है, पर आप वीडियो ज़रूर देखा करें। तो यहाँ पे देखिए हम लोग गाँव में कितने फ़ायदे हैं, सब्जी हम खुद लगाते हैं, क्योंकि देखिए ये सारा सब्जियां हैं लगे हुए हैं, कल हमने तोड़े थे, हार्वेस्ट कर लिए कल हमने। इधर भी है तोरियां, तोरियां लगाए हुए हैं, और लौकी है, क्योंकि गांव में जो है साफ़ चीज़ मिलते हैं दोस्तों, वो शहर में नहीं मिलते। यहाँ पे काफ़ी कुछ सब्जियाँ बगैर दवाई दे, बगैर खाद के मिल जाती है, ठीक है ना। सफाई है, हरियाली है, जिधर मर्जी आप नज़र मारो। बाकी जो आई है ज़िंदगी है, जैसे कटना पड़ेगा दोस्तों। देखें कितना बड़ा भी एक है कद्दू लगा, मैं दिखाती हूँ दोस्तों। हाँ देखें दोस्तों लगे हुए हैं, क्योंकि ये हमने कल को तोड़ना है, कल को चाहे परसों को तोड़ना है, क्योंकि कल हमने दो तीन तोड़े थे हमने। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर दे रहिएगा, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। सारे ने दिल से जय माता दी।